Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In today's video, we will discuss further 10 MCQs of the past paper which was conducted by Higher Education Department for lecturer and subject specialist biology. So we have discussed in the last video up till 25 number MCQ. Now we will start from MCQ number 26, and it is: during meiosis, when does synapses occurs? Now, what is synapses? Synapses जो है ये होती है between the homologous pair of chromosomes. For example, this is a pair of homologous chromosomes. These are the two pairs of homologous chromosomes. तो इनकी pairing जब हो जाती है, pairing किस तरीके से होगी कि अब for example यही हमारे पास है, इस तरीके से इसकी पेयरिंग हो जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की. तो जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो जाती है, इसको बोलते हैं साइनेप्सिस. और इनका पर्पस क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर, कि जो एक्सचेंज हो जाती है मटीरियल, एक्सचेंज हो जाती है होमोलोगस पेयर के ऊपर जो जीन्स मौजूद हैं इनकी एक्सचेंज हो जाती हैं. अब ये वाला सेगमेंट इसका पार्ट बन जाता है, ये वाला सेगमेंट इसका पार्ट बन जाता है. तो ये जो प्रोसेस होता है, दिस अकर्स इन दी प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन. मियोसिस वन में प्रोफेज, बिल्कुल जो फर्स्ट फेज होता है, वहाँ पर होती है साइनेप्सिस. और इसी क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में हमारे पास म्यूटेशन होती है, हमारे पास रिकम्बिनेंट्स बनते हैं, पेरेंटल वेराइटी जो होती है वो कम आ जाती है, उसका परसेंटेज कम हो जाता है, और रिकम्बिनेंट्स जो हैं वो उनकी परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है, या रिकम्बिनेंट्स इसी के रिजल्ट में हमारे पास बनते हैं. उसके बाद एमसीक्यू नंबर 27 है, ग्लॉटिस ओपन्स ऑन द फ्लोर ऑफ. अब ग्लोटिस क्या चीज़ है? ग्लोटिस हमारे पास ओपनिंग है. ग्लोटिस जो है ओपनिंग को बोलते हैं. और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फेरिंग्स हैं, तो फेरिंग्स के बाद जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में, फॉर एग्जांपल अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, जिसके बाद फिर स्टार्ट होता है ट्रेकिया. तो इस फेरिंग्स, दिस फेरिंग्स इज गार्डेड बाय एपिग्लोटिस. इसके ऊपर एक फ्लैप सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको बोलते हैं, इस तरीके से फ्लैप सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, और इस ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस. तो दिस इज, दिस ओपन्स ऑन द फ्लोर ऑफ फेरेंजियल कैविटी. फेरेंजियल कैविटी, इसी ओपनिंग को ही हम ग्लोटिस बोलते हैं, और ये फेरेंजियल कैविटी की फ्लोर पे ही ओपन होता है. उसके बाद एमसीक्यू नंबर 28 है, डिश इज प्रोड्यूस्ड बाई सी वीड्स. अब सी वीड्स हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो ये थ्री सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से एक है केराजिनिन. केराजिनिन को ये प्रोड्यूस करता है. रेड और ब्राउन कलर के जो सी वीड्स हैं, ये थ्री सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं. केराजिनिन है एक हमारे पास, दूसरा है एगर, और इसके अलावा है आर्जिनेट. एंड दीज थ्री सब्सटेंसेस आर पॉलीसेकेराइड्स. ये पॉलीसेकेराइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं. And these three carbohydrates are extracted from the red and brown seaweeds. उसके बाद MCQ number 29 है. उसके बाद MCQ number 29 को हम skip कर देते हैं. This is taken from the general portion, not the related to biology. MCQ number 30 is, which of the following is a rich source of B vitamins? तो vitamin B का rich source क्या है? तो विटामिन बी का जो रिच सोर्स है, इट इज यीस्ट एक्सट्रैक्ट. वहां से यीस्ट एक्सट्रैक्ट से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है, या लिया जाता है, या यीस्ट एक्सट्रैक्ट जो है ये सोर्स है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का. जितने भी विटामिन बी के टाइप्स हैं, B1 है, B2 है, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये सोर्स है यीस्ट एक्सट्रैक्ट विटामिन बी का. उसके बाद एमसीक्यू नंबर 31 है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज. तो इट इज 5th जून. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 5th जून को, और इसका जो मेन थीम होता है, इट इज इंकरेजिंग एंड एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट. उसके बाद एमसीक्यू नंबर 32 है, द एक्टिविटी ऑफ सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज इज इनहिबिटेड बाय. सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज हमारे पास एक एंजाइम है, और ये जो है इसका फंक्शन है सेल रिस्पायरेशन में, एनर्जी जनरेशन में, और इसके अलावा ऑक्सीजन लेवल सेंसिंग या ट्यूमर सप्रेशन में इसका रोल है. मीन्स ये ट्यूमर सप्रेशन, वहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको ये सप्रेस करता है. तो इसकी एक्टिविटी को कौन इनहिबिट करता है? इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है मेलोनेट. अब मेलोनेट क्या चीज़ है? मेलोनेट हमारे पास थ्री कार्बन डाईकार्बोक्सिलिक एसिड है. डाईकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है, ये टर्मिनल ग्रुप पर मौजूद होता है. तो यहाँ पर इस तरीके से
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर एच एच है. तो दिस इज़ दी स्ट्रक्चर ऑफ मेलोनेट. अब ये मेलोनेट जो है ये क्या करता है कि इट इज़ वेल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस. ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस का. मेलोनेट जो है दिस इंड्यूस सेल डेथ एंड अफेक्ट्स रिस्पायरेशन इन सेल्स. इट ब्लॉक्स द एक्टिव साइट ऑफ द इंजाइम. ये जो मेलोनेट है ये ब्लॉक कर देता है इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस की एक्टिव साइट को. और फिर जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस हैं ये सेल रिस्पायरेशन और ट्यूमर सप्रेशन और इसके जो फंक्शंस हैं एनर्जी जनरेशन वो फिर ये परफॉर्म नहीं कर पाता. तो ये जो है कम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस का. ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद एमसीक्यू नंबर 33 है. स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स इज कॉल्ड. तो जो एटम्स की स्प्लिटिंग होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन या फिजन सिंपली इसको बोलते हैं. और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमारे पास न्यूट्रॉन्स बनते हैं. न्यूट्रॉन्स और भी एटॉमिक पार्टिकल्स बनते हैं लेकिन जो न्यूट्रॉन्स होते हैं दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दीज आर हाई एनर्जी पार्टिकल्स. फिर ये जब इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है तो ये फिर फर्दर जो और एटम्स इसके साथ मौजूद होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, उनको जो है उनकी स्प्लिटिंग करता है. और इस तरीके से एनर्जी इस तरीके से न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एक एक एटम्स में ट्रांसफ़र होते जाते हैं, उनको स्प्लिट करते रहते हैं, उससे लॉट ऑफ न्यूट्रॉन्स बनते हैं और चेन ऑफ रिएक्शन कंटिन्यू हो जाता है जिसके रिजल्ट में हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है. उसके बाद एमसीक्यू नंबर 34 है. फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ब्रायोफाइट्स इज. तो ब्रायोफाइट्स जो हैं दीज आर लोअर वस्कुलर प्लांट्स. इनमें जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो नहीं होते. ब्रायोफाइट जो हैं दे लेक ट्रू रूट्स ट्रू लीव्स. और ये जो है लोअर वस्कुलर प्लांट्स, इनमें वस्कुलर बंडल्स एज सच नहीं होते. इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं जिसको बोलते हैं आर्चिगोनिया. और जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको बोलते हैं एंथ्रीडिया. फिर जो इनको कलेक्टिवली बोलते हैं गेमिटेंजिया. और जो आर्चिगोनिया हैं दीज आर दी मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट्स. उसके बाद एमसीक्यू नंबर 35 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसे कहते हैं. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मतलब ये है कि जब हम बैक्टीरिया की डिफरेंशिएशन के लिए जो स्टेन यूज़ करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट डाई स्टेन जो हम यूज़ करते हैं उसके रिजल्ट में हमारे पास टू टाइप्स के बैक्टीरियाज आते हैं. बैक्टीरियाज की डिफरेंशिएशन हो जाती है इनटू ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव. अब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं ये स्टेन को क्यों नहीं रिटेन करते. तो इनका जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है तो इस वजह से ये उसको रिटेन नहीं करते. और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो उस स्टेन को रिटेन कर लेते हैं क्योंकि उनका सेल वॉल इतना थिन नहीं होता तो वो उससे वॉश आउट हो जाता वो उसको रिटेन कर लेते हैं. और ये वाले जो हैं इसको रिटेन नहीं करते. तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के हमारे पास एग्जांपल्स हैं. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मोस्टली इन्फेक्शंस कॉज करते हैं इन द इंटेस्टाइन और मोस्टली इन द यूरिनरी ट्रैक्ट. तो एसेरिशिया कोलाई जो है दिस इज़ अ टाइप ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ऑल द एसेरिशिया कोलाई जो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है विटामिंस की एब्जॉर्प्शन भी करता है और इसकी प्रिपरेशन भी करता है. लेकिन कुछ जो ऐसे इसके स्टेन्स हैं एसेरिशिया कोलाई के कि हम कोई कंटामिनेटेड फूड यूज़ करें या इस तरीके से फाउल वाटर यूज़ करें तो उसके रिजल्ट में हम कोई इसका इन्फेक्टिव स्ट्रेन ले लेते हैं जो वरुलेंट स्ट्रेन होता है विच कॉजेज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस एंड ऑल्सो दी GIT इन्फेक्शंस. उसके बाद एमसीक्यू नंबर 36 है. रुबिस्को कंटेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज. तो रुबिस्को जो है ये हमारे पास एंजाइम है. बेसिकली ये है राइबुलोज बिसफोस्फेट कार्बोक्सिलेज. तो ये जो कंटेंट है क्लोरोप्लास्ट में इसकी कितनी परसेंटेज मौजूद है तो इट इज़ अबाउट 16%. अब रुबिस्को जो है ये एंजाइम है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करता है. रुबिस्को का प्रॉब्लम क्या है. रुबिस्को का प्रॉब्लम यह है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता. बस कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये रुबिस्को कंबाइन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. और नॉर्मली जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है कार्बन फिक्सेशन की तो वो हो जाती है डार्क रिएक्शंस. लेकिन अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा है
और कार्बन डाइऑक्साइड की कम है, तो ये मिस्टेकनली कंबाइन हो जाता है विद दी ऑक्सीजन और उसके रिजल्ट में होती है फोटो रिस्पायरेशन। तो फोटो रिस्पायरेशन जस्ट वेस्टेज ऑफ एनर्जी है और इससे कोई एनर्जी जो है उसकी प्रोडक्शन नहीं होती। तो इस वजह से रोबेस्को का ये मसला है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में डिफरेंस नहीं कर पाता, इस वजह से रॉन्ग प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाता है और प्लांट्स की जो एनर्जी है वो वैसे ही वेस्ट हो जाती है और एनर्जी की प्रोडक्शन होती भी नहीं है। तो इसका जो कंटेंट है क्लोरोप्लास्ट में, जो इसकी परसेंटेज है वो 16% है, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द ग्रेन एंड स्ट्रोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।